नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज जो हम वीडियो लेकर के आए हैं, बहुत उपयोगी वीडियो है, बहुत यूजफुल वीडियो है। यदि आर्य समाज मैरिज के बारे में सोच रहे हैं और आप कंफ्यूज हैं, आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आप कौन से आर्य समाज से मैरिज कराएं जहां का सर्टिफिकेट आपके लिए वैलिड होगा, तो मैं बहुत शॉर्ट में आपको बहुत अच्छे टिप्स देने वाला हूँ। ध्यान से सुने आप। पहली बात देखिए, जहां भी आप मैरिज कराने जा रहे हैं, पहली चीज तो आप ये क्लियर कर लें, क्योंकि लोगों को ये भी डाउट रहते हैं कि आर्य समाज का सर्टिफिकेट वैलिड है या नहीं है, या उसकी कुछ लीगल वैल्यू है या नहीं। तो आर्य समाज का जो सर्टिफिकेट होता है, एक रजिस्टर्ड संस्था है, इसका सर्टिफिकेट पूरी तरह से वैलिड होता है। यदि आप किसी आर्य समाज में मैरिज कराना चाहते हैं, तो आप दूसरी बात, जो आर्य समाज के अनुयायी हैं या आर्य समाज से संबंध रखते हैं, वो ये जानते हैं कि आर्य समाज आइडल वर्शिप में विश्वास नहीं करता। आर्य समाज में कोई मूर्ति पूजा नहीं होती या मूर्तियां नहीं होती। यदि आपको ये चीज आप ध्यान दे सकते हैं कि आपकी किसी मंदिर, ऐसे मंदिर में शादी कराई जा रही है जहां पर बहुत सारी मूर्ति है और मूर्तियों की पूजा हो रही है, तो आप समझ लीजिए कि वो आर्य समाज नहीं है। क्योंकि आर्य समाज वेद मंत्रों का, आर्य समाज में वेद मंत्रों का उच्चारण होता है और यज्ञ के द्वारा सारे कृत्य होते हैं। यानी आर्य समाज में जो शादी भी कराई जाती है, वो यज्ञ की परिक्रमा यानी अग्नि की परिक्रमा होती है, और वेद मंत्रों का पंडित जी जो धर्माचार्य होते हैं वहां के, वो उच्चारण करते हैं, उसके द्वारा शादी कराते हैं। दूसरी बात, मैंने प्रैक्टिकली ये बात देखी है, क्योंकि हम मैरिज कराते हैं तो कई बार लोग हमें इंक्वायरी के लिए भी फोन करते हैं, तो मैंने देखा जो फेक सर्टिफिकेट होते हैं उनमें क्या होता है, आर्य समाज मंदिर लिखा होता है, उसके अलावा उस पर रजिस्टर लिखा होता है, कुछ भी नंबर लिखा रहेगा, पर उसके उसमें कोई प्रॉपर एड्रेस नहीं होता। ज्यादातर मैंने इन केसों में देखा है, उसमें कोई प्रॉपर एड्रेस नहीं होता उसमें। और तीसरी बात, यदि आप ध्यान देंगे तो कोई मोबाइल नंबर नहीं होता। पर आजकल है क्या, जो आर्य समाज का परफॉर्मा है उसमें मोबाइल नंबर हमने देखा है प्रैक्टिकली होता है, या होना, हम कहें कि होना चाहिए। यदि तीसरी बात पर आते हैं, तो आप एक रिक्वेस्ट और कर सकते हैं, यदि आपको फिर भी कुछ ऐसा लगता है कि यहाँ पर शायद हम सही जगह पर नहीं है, तो आप वहां पर जो पुरोहित हैं, वहां पर जो अध्यक्ष हैं या जो भी जिम्मेदार व्यक्ति है, उनसे कह सकते हैं कि आपने ये सर्टिफिकेट जो प्रोवाइड कराया है, उस सर्टिफिकेट को आप हमें पकड़ाते हुए एक फोटो क्लिक करा दीजिए। यदि जेन्युइन जगह पर आप इस तरह की रिक्वेस्ट करेंगे, तो वहां आपको बड़ी खुशी के साथ ये काम करा दिया जाएगा और आपसे कोई मना करने वाला नहीं है। आगे मैं आपसे कहूंगा, यदि आपने हमारे माध्यम से आज कल में या फिर महीने, दो महीने, साल, 10 साल पहले, क्योंकि 10 साल से लगभग मैं इस कार्य को करा रहा हूं, यदि कोई शादी कराई है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज हमारे चैनल पर कमेंट के माध्यम से बताएं, जिससे कि दूसरे लोगों में भी हमारी प्रामाणिकता पहुंचे। धन्यवाद।